बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कटनी में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारों से झूठ बोलकर सरकार बनाई, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का सपना दिखाया, पर हमारी सरकार 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण के अभियान के तौर पर देश के अंदर लिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज उत्साह के साथ इस अभियान को, जो 17 तारीख से आज प्रारंभ हुआ है और 7 अक्टूबर तक चलेगा, इस अभियान में हमने वैक्सीनेशन का महाअभियान आज पूरे इन सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने टारगेट लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 7 दिन में 71,00,000 वैक्सीनेशन हम सब प्रयासों से करेंगे। कटनी का टारगेट 55,000 था, उसमें से लगभग 35,000 के करीब अभी मैं विजिट किया है वैक्सीनेशन सेंटर का, लोगों से मिले हैं, तो बहुत अच्छी संख्या में अच्छी मात्रा में वैक्सीनेशन हो रहा है और 35,000 55 में से टारगेट पूरा हो गया है।